हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेरी की एजुकेशन पर। दोस्तों मैं आपको आज यहाँ से बताऊंगा जो हमारे गुजरात और कर्नाटक का रिजल्ट जो डिक्लेयर किया गया है उनके उनटी में से लेटर कब आएंगे, तो वही चीज़ हम सारी आज डिस्कशन इसमें करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा और मैं झारखंड वगैरह इन सभी स्टेट्स के बारे में यहाँ से बात करूँगा। ये हमारी GDS की ऑफिशियल साइट है, इस पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, आपको पता है नोटिफिकेशन भी हमारा इसका चल रहा है, ओके, आपको ये पता होगा यहाँ से, यानी कि तो मैं बता दूँगा आपका उसका भी डेट वो निकल ही चुका है। अब हमारा क्या है, गुजरात का रिजल्ट रिसेंटली जारी किया गया है और कर्नाटका का, तो इनके इंटीमेशन लेटर कब तक आएंगे, यानी मीन ज्वाइनिंग लेटर कब तक आएंगे, उसी के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और यहाँ से बताऊँगा। और कुछ का मतलब डाउट्स हैं वो भी बता दूँगा, बच्चों को क्लियर कर दूँगा यहाँ से, लेकिन प्रॉपर बात रहेगी कि रिजल्ट के ऊपर जो बच्चों ने कमेंट्स किए थे सर डलही का 233 वाला कब आएगा और जितने भी हैं, तो मैं बताऊं। तो इंटीमेशन लेटर की बात करूं तो वैसे प्रॉपर दोस्तों शायद आपको पता भी हुआ, अगर आपका कोई सगा संबंधी कोई भी अगर उसमें पहले से जॉब कर रहा होगा, तो यानी कि मैं तुम आपको बता दूं का यानी कि आप मान चलिए 10 से ज़्यादातर 15 दिन के बीच में पहले सत्र में जो पिछले सत्र निकल गए उनमें आ जाते, लेकिन इस बार ये हुआ है का तकरीबन एक महीना लग रहा है इंटीमेशन लेटर आने में। तो मैं आपको एक मोटा सा अनुमान हम ले के चलते हैं, तो मैं आपको बता दूं कमान चलिए हमारे 20 से 25 दिन में आपके इंटीमेशन लेटर आ जाएंगे। याद रखना आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रेडी रखने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ उसमें। तो देखिए मैं यही बता देता हूँ का आपके पास अपना जो मैं बता दूँ, आपको कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको ओरिजिनल ले जाना है, और याद रखना वो सेंटर वाला जो भी लगाया आपका जिससे सिलेक्शन हुआ हो वो ले जाना है, और आपका मूल निवास आयात वगैरह ये सारी की सारी चीज़ आपको यहाँ से ले जानी है। आयात और यानी कि मूल निवास, ये आपको ध्यान रखना होगा। और बताऊँ मैं आपको और क्या ले जाना है, और बैंक की पासबुक वगैरह है, ये चीज़ तो कर इतना मतलब इससे कोई इतनी दिक्कत नहीं होने वाली है, जो कबूतरे को वेरीफाई की जाएगी उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए ओरिजिनल, याद रखना। और आपकी यानी कि मैट्रिक की जो मतलब वो होती है मार्कशीट वो आपको यहाँ से ले जानी है, और अगर आपके पास जेरोक्स कॉपी रखी हुई है एप्लीकेशन वाली तो वो आप साथ में ले जाना, याद रखना। और पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें आपको इसमें साथ में ले जानी है, याद रखना दोस्तों, क्योंकि अगर ये चीज़ ना होगी तो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट वहाँ पर हो सकती हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है अगर आप फिजिकल हैंडीकैप हो तो आपके पास फिजिकल हैंडीकैप का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो चलिए ये तो संबंधित हो गई का हमारे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको ले जाने हैं, और मैंने बता दिया आपको 20 से 25 दिन के आसपास आपके आ जाने चाहिए उसके अकॉर्डिंग। अगर हाँ वो डिले करते हैं तो ये तो कहना खैर कुछ वो नहीं है, हो सकता है डिले हो भी सकता है, क्योंकि अब तो यही हुआ है 4-5 रिजल्ट निकल चुके हैं, तो उनका काफ़ी टाइम बाद है, एक महीना 1.5 महीने बाद इंटीमेशन लेटर वापस आ रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अदर स्टेट्स रिजल्ट के बारे में जो हमारे हैं उनके बारे में। देखिए मैं आपको बता दूँ सबसे पहले का रिजल्ट हमारे झारखंड नॉर्थ ईस्ट का पड़ा हुआ है, जो कि अभी तक इतना भी पता नहीं है कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो मैं आपको इसी हिसाब से अगर अब बताऊं तो अब तो इन्हीं के चांसेस तो लगते नहीं है, हो सकता है कि कुछ समय बाद आपको दिल्ली का, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ का रिजल्ट देखने को मिल जाए, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग जैसा इनका काम चल रहा है मैं आपको बताऊँ यहाँ से। लेकिन आपको बताया कि नॉर्थ ईस्टर्न झारखंड का इनके रिजल्ट का वैसे आपको पता काफ़ी समय हो चुका है इनके रिजल्ट को काफ़ी, लेकिन अभी तक कोई इन्फॉर्म नहीं हो। एक इन्फॉर्म मिला भी था तो बताया था उन्होंने, कहते ना कि आपका बीस या मतलब ऐसा ही बताया था 20 से 25 तारीख के बीच में रिजल्ट आपका देखने को मिल जाएगा इसी मंथ। तो मैं आपको बता दूं वो भी निकलने वाला है और अभी तक रिजल्ट का कोई पता नहीं है, तो अब तो ये कहना इम्पॉसिबल है दोस्तों कब तक आ जाइए, तो गवर्नमेंट है तो कब आ सकता है, लेकिन अनुमान है कि जल्दी देखने को मिल सकता है आपका रिजल्ट, क्योंकि ये रिजल्ट दोनों आपके निकल चुके हैं। अब तो बहुत जल्दी आपको दिल्ली का भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि पोस्ट भी काफ़ी कम थी याद रखना, और ज़्यादातर इफेक्ट पड़ता है पोस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि काम ज़्यादा होता है तो थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है, और यहाँ पर केवल 233 पोस्ट थी। तो मैं आपको बता दूँ कि गुजरात स्टेट कर्नाटका इन्होंने काफ़ी जल्दी काम यहाँ से इनका ख़त्म हो चुका है, तो इनका रिजल्ट भी काफ़ी जल्दी दे दिया है। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका वेरीफिकेशन और री वेरीफिकेशन का हो चुका है, ये मैंने बताया भी था कि इनका हो चुका है याद रखना। और हमारे छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और ये हमारे जो रिजल्ट हैं वो भी आपको बहुत जल्दी इनके देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारी चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई होंगी। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।